नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आपनो हार्दिक स्वागत छे। धोरण 7 विषय हिंदी आजे आपणे आइडियल माथी अभ्यास करीशुं। तो दरेक विद्यार्थी आइडियल हिंदीनी अने पाठ 2 खोलीने तैयार राखे अने साथे पेन पण राखवानी छे। अने विद्यार्थी मित्रों, ज्यारे तमे आइडियल में लखो छो त्यारे खास ध्यान राखवानुं, अक्षर छे ए सारा अने व्यवस्थित रीते लखवानुं छे, छेक छाक वगर लखवानुं छे। कारण के जो परीक्षा में तमारे आमांथी ज पूछाशे अने आमांथी वाँचवानुं थशे, तो जो सारा अक्षर हशे तो तमे सारी रीते वाँची शकशो अने परीक्षा में सारी रीते लखी शकशो। एटला माटे अक्षर छे सारा अक्षरे लखवानुं छे अने ध्यानपूर्वक पूरवानुं छे। तो चालो पाठ्य आइडियलमांथी पाठ 2। विद्यार्थी मित्रों, आपणे आगळना वीडियोमां पाठ 1 आइडियलमां आपणे पूरेलुं, हवे त्यार पछी काव्य 2 छे, तब याद तुम्हारी आती है। पेज नंबर 6 तेमां प्रश्न नंबर 1 छे कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला ज प्रश्न छे, सुबह कौन खुशी के गीत गाता है। तो चार ऑप्शन आपेला छे, चिड़िया, लहरे, हवाए, कलिया। तो आ चार माथी साचो ऑप्शन कयो छे, तो के ए जवाब आवशे, ए चिड़िया। दुनिया पर कौन मुस्काती है बीजो विकल्प छे। चार ऑप्शन आपेला छे, पत्तिया, कलिया, लहरे और डालिया। तो जवाब शू आवशे, दुनिया पर कौन मुस्काती है, तो जवाब आवशे बी कलिया। तो अहीं तमारे लखवानुं आवशे बी। त्यार पछी कलिया दुनिया पर कब मुस्काती है, रात में, दोपहर में, सुबह में, शाम को। तो अहीं जवाब आवशे सुबह में। जो विद्यार्थी मित्रों, तमे आ काव्य व्यवस्थित रीते तेनो अभ्यास कर्यो हशे तो तमे अगाउथी पण जवाब लखी शको एम छो। आ बधुं आपणे आगळ काव्यमां समजिया छीए। त्यार पछी चोथो विकल्प आवे छे के वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती है, सन सन, छम छम, डम डम के चम चम। तो अहीं जवाब आवशे छम छम, एटले अहीं लखवानो रहेशे बी। पांचमू छे, कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है, धीमी, बरसाती, ठंडी के तेज। तो अहीं जवाब शू आवशे, ठंडी। એટલે કે અહીં લખવાનું આવશે સી। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 છે કે રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીજીએ। પેલું છે કે ખાલી જગ્યા કી લહરે સુબહ કો ઘર સે બહાર આ દોડ લગાતી હૈ। તો અહીં જવાબ શું આવશે કે ખાલી જગ્યા કી લહરે સુબહ કો ઘર સે બહાર આ દોડ લગાતી હૈ। તો અહીં જવાબ આવશે ખુશ્બુ। તો અહીં તમારે લખવાનું છે खुशबू। त्यार पछी बीजी खाली जगह छे, जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली खाली जगह कर जाती है। तो अहीं जवाब आवशे चम चम। व्यवस्थित रीते सारा अक्षरे लखवानुं छे। त्रीजू, हे जग के खाली जग्या प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। तो अहीं जवाब शू आवशे, सिर्जनहार, सिर्जनहार। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 के सही वाक्य के सामने और गलत वाक्य के सामने का निशान लगाइए। साचा वाक्यनी सामे साचू अने खोटा वाक्यनी सामे खोटू। तो अहीं पेलू छे कि गर्म हवा मस्ती ढोकर लाती है तब हमें सिर्जनहार की याद आती है। तो आ वाक्य केवू छे, खोटू। गर्म हवा नहीं, पण केवी हवा, ठंडी हवा। बीजू, पत्तिया दरवाजे खोल खोल दुनिया पर मुस्काती है। तो पत्तिया आवे ना आवे, एटले आ वाक्य केवू छे, खोटू। कलिया आवे।
वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली छाई जाती है, तो आ वाक्य केवू छे? साचू। त्यार पछी पेज नंबर सात पर, पेज नंबर सात प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित प्रश्न के एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो ज प्रश्न अहीं आपवामां आवेलो छे, एक बे वाक्य में जवाब तमारे लखवाना छे, सारा अक्षरे लखजो। पहलो प्रश्न छे, कलिका दरवाजा का अर्थ इस काव्य के संदर्भ में लिखे। तो अहीं लखो कल्याभी, सारा अक्षरे लखजो, कल्याभी। अपनी पंखुड़ियों को खोल खोल कर सोती हुई दुनिया पर, सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती है। बीजो प्रश्न, के प्रातः काल होते ही हमें कौन सा दृश्य देखने मिलता है, के सवार थतानी साथे आपने केव दृश्य जोवा मळे छे? तो एनो जवाब शुं आवशे? के प्रातः काल होते ही चारों ओर उजाला छा जाता है। पक्षी चह चहाने लगते हैं, चह चहाने लगते हैं। ठंडी हवा बहती है। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न अहीं आपवामां आवेलो छे, के सृष्टि की अद्भुत रचना देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो कवि को सृष्टि के सृजनहार ईश्वर की याद आती है। चौथो प्रश्न आपवामां आवेलो छे, के वर्षा होते समय आकाश में क्या दिखाई देता है? तो आकाश में बादल और चमकती हुई बिजली दिखाई देती है।
बिजली दिखाई देती है। पांचवा प्रश्न, वर्षा ऋतु में मैदानों, वनों और बाग बगीचों में क्या देखने को मिलता है? तो ही जवाब आवशे कि वर्षा ऋतु में मैदानों, वनों और बाग बगीचों में हरियाली। आपणे अहीं टूंकमां लखशु जवाब, हरियाली, लहराती, लहराती दिखाई देती है, दिखाई, लहराती दिखाई देती है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5 आपवामां आवेलो छे के निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो अहीं जवाब आपेलो छे, तो तमारे पण साथे आइडियल मां जोवानुं छे कि सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, चारों ओर सूर्य की लालिमा छाने लगती है और रात का अंधेरा दूर होने लगता है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, हवा में फूलों की सुगंध फैलने लगती है, ठंडी ठंडी हवा बहती है। त्यार पछी बीजो प्रश्न के वर्षा ऋतु में क्या होता है? तो वर्षा ऋतु में ठंडी ठंडी हवा चलती है, आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली छा जाती है, मेढक की टर टर सुनाई देती है और मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न छे, कवि को सुबह का दृश्य कैसा लगता है, क्यों? तो उत्तर आपेलो छे, कवि को सुबह का दृश्य प्यारा लगता है क्योंकि चारों ओर नई ताजगी फैली हुई है, सभी में एक नई चेतना है, मौसम भी सुहावना होता है। चौथो प्रश्न छे कि पृथ्वी पर कब और कैसे हरियाली छा जाती है? तो वर्षा ऋतु के समय पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है, वृक्षों को पानी मिलता है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को जैसे नया जीवन मिलता है। पांचवा, कवि कब प्रभु को याद करने लगते हैं? जब सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलियों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है, बरसात में बिजली चमकती है और बूंदें गिरती है, जब ठंडी हवा मस्ती में चलती है, तब कवि प्रभु को याद करने लगते हैं। त्यार पछी पेज नंबर 8 खोलो। पेज नंबर 8, प्रश्न नंबर 6, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। जब बहुत त्याथी शुरुआत करीने दौड़ लगाती है त्यां सुधी आपणे आ काव्य लखवानुं छे। तो चालो पाठ्यपुस्तक साथे राखवानुं अने एमांथी जोईने सुंदर अक्षरे आ काव्य पंक्ति छे पूर्ण करवानी छे। तो चालो, जब बहुत सारा अक्षरे विद्यार्थी मित्रों लखवानुं छे। जब बहुत सुबह, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, चिड़िया उठकर, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। ए बीजी पंक्ति में लखवानुं छे, कुछ गीत खुशी के, कुछ गीत खुशी के गाती है, कुछ गीत खुशी के गाती है।
ત્રીજી પંક્તિમાં લખવાનું છે કે કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ કર, કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ કર, ખોલ ખોલ બે વાર ખોલ શબ્દ લખવાનું છે। ત્યાર પછીની ચોથી પંક્તિમાં લખવાનું છે જબ દુનિયા પર મુસ્કાતી હે, જબ દુનિયા પર મુસ્કાતી હે, મુસ્કાતી હે ખુશ્બૂ કી લહરે। એના પછીની પંક્તિમાં લખવાનું છે ખુશ્બૂ કી લહરે, કી લહરે જબ ઘરશે, જબ ઘરશે। અને છેલ્લી પંક્તિમાં લખવાનું છે બહાર, બહાર આ દોડ લગાતી હે, દોડ લગાતી હે। ત્યાર પછી બીજી કાવ્ય પંક્તિ આપવામાં આવેલી છે કે જબ ઠંડી, ત્યાંથી શરૂઆત કરીને તુમ્હારી યાદ આતી હે, ત્યાં સુધી લખવાનું છે। તો ચાલો લખીએ કે જબ ઠંડી ઠંડી હવા, જબ ઠંડી ઠંડી હવા કહીં સે, કહીં સે મસ્તી ઢોકર લાતી હે, મસ્તી ઢોકર લાતી હે, લાતી હે। હે જગ કે, હે જગ કે સિર્જનહાર, હે જગ કે સિર્જનહાર પ્રભો તબ યાદ તુમ્હારી આતી હે, તબ યાદ તુમ્હારી આતી હે, તબ યાદ તુમ્હારી આતી હે। તો આ હતી બંને કાવ્ય પંક્તિઓ। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, નિમ્નલિખિત પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ લખીએ। કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ જબ દુનિયા પર મુસ્કાતી હે, તો એનો ઉત્તર શું આવશે? તો કે કવિ કહેતે હૈ કે કલિયા ભી સુબહ હોને પર અપને દરવાજે અર્થાત પંખુડિયા ખોલ કર સોતી હુઈ દુનિયા પર મુસ્કાને લગતી હૈ, ઓર જૈસે વે કહેતી હૈ કે આલસ છોડ અપને કામ મેં લગ જાઓ। બીજું છે કે ખુશ્બુ કી લહરે જબ ઘર સે બહાર આ દોડ લગાતી હૈ, તેનો જવાબ આવશે કે કવિ કહેતે હૈ કે સુબહ હોને પર ખુશ્બુ કી લહરે ફૂલો મેં સે નિકલ કર ચારો ઓર ફેલને લગતી હૈ, જબ છમછમ બુંદે ગીરતી હે બિજલી ચમચમ કર જાતી હૈ, તો આનો જવાબ શું આવશે? તો કવિ કહેતે હૈ કે વર્ષા ઋતુ મેં જબ બાદલ બરસને લગતે હૈ તબ પાણી કી બુંદે છમછમ આવાજ કરતી હુઈ ગીરતી હૈ, ઉસી સમય આકાશ મેં બિજલી ભી ચમકતી હૈ। ત્યાર પછી ચોથું, જબ ઠંડી ઠંડી હવા કહીં સે મસ્તી ઢોકર લાતી હૈ, તો આનો ભાવાર્થ શું હશે? તો કે કવિ કહેતે હૈ કે ઠંડી ઠંડી હવા કહીં સે આનંદ ઉલ્લાસ રૂપી મસ્તી ઢોકર લાતી હૈ। ત્યાર પછી પેજ નંબર 9, પ્રશ્ન નંબર 8, નિમ્નલિખિત શબ્દો કા અર્થ લિખ કર વાક્ય મેં પ્રયોગ કીજે, કુક તો એનો અર્થ શું થાય, અને પછી ત્યાર પછી અહીં વાક્ય લખવાનું છે। તો ચાલો, કુક તો કે કોયલ કી બોલી,
तो अहीं तमारे सुंदर अक्षरे लखवानो पहला तेनो अर्थ कोयल की बोली। वाक्य आवशे कोयल की कूप सभी को पसंद है। वाक्य आवशे कोयल की कूक सभी को पसंद है। इरादा, तो इरादा नो अर्थ सु थाय तो के विचार, तो अहीं लखवानो विचार। वाक्य मोनिका का इरादा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने का है। तरुवर नो अर्थ शू थाय वृक्ष। तेनु वाक्य तरुवर हमें छाया देते हैं। त्यार पछी चौथू छे मुग्ध। मुग्ध नो अर्थ शो थाय मोहित। वाक्य आवशे जादूगर का खेल देख सभी मुग्ध हो गए। पांचमो छे गुजारिश। गुजारिश नो अर्थ थसे प्रार्थना। वाक्य बनसे आपसे गुजारिश है कि इस बालक की सहायता कर दे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 9 छे। त्यारथी हवे आपणे आवता विडियोमां जोशुं प्रश्न नंबर 9 थी। अहीं आपणे प्रश्न नंबर 8 सुधी राखीशुं। आवता विडियोमां प्रश्न नंबर 9 10 11 लखीशुं। तो अहीं आपणे आ विडियो पूरो करशुं। अस्तु, जय हिंद, वंदे मातरम।